हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी। वेलकम बैक टू आवर ड्रीमलैंड चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सबका इतना प्यार, इतना सपोर्ट मुझे मिल रहा है और यही मुझे मोटिवेट कर रहे हैं नए नए वीडियो आप सबके साथ शेयर करने के लिए। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। और कुछ दिनों से मैं नर्सरी टूर का वीडियो आप सबके साथ शेयर कर रही थी, उसमें बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा है गलिप स्ट्रीट का वीडियो शेयर करने के लिए। तो अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इसके लिए गलिप स्ट्रीट फ़िलहाल बंद है, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो रहा है अभी। लेकिन जब वो खुल जाएगा मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मेरे चैनल पे गलिप स्ट्रीट का वीडियो है, अगर कोई चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। और भी कुछ रिक्वेस्ट आया था, जैसे कि हैंगिंग प्लांट्स और प्लांटर्स देखना चाहते हैं, फिर एडेनियम और कैक्टस के ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, तो मैं ज़रूर ये सब बहुत जल्दी आप सबके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, मैं एक प्लांट लवर हूँ, मेरा एक छोटा सा गार्डन भी है, तो इसीलिए मैं अपने गार्डन के लिए जब प्लांट लेने जाती हूँ कहीं पे, तो वहाँ पे जो प्लांट्स है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ, साथ में थोड़ा सा प्राइस अपडेट बता देती हूँ ताकि आप सबको भी एक आइडिया मिल जाए। तो इसीलिए मैं इस तरह का वीडियो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। मेरे गार्डन के लिए प्रतिमा नर्सरी से जो प्लांट मैंने बाय की है वही आज आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंथोरियम क्रिस्टलिनम, कॉमनली इसको क्रिस्टल एंथोरियम भी बोलते हैं। ये मेनली एक फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन इसके फोलियज के लिए ही ये प्लांट फेमस है। और जो मेरा रेगुलर व्यूअर्स है सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले मैं मैंटोन, बेहला मैंटोन का एक प्लांट शॉप वीडियो आप सबके साथ शेयर की थी, तो उसमें ही ये प्लांट मुझे पहली बार दिखा था। और तब से मैं इस प्लांट को बाई करना चाह रही थी, लेकिन उसका जो प्राइस था वो 250 का था, तो तब मैं इसको बाई नहीं कर पाई क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था। फिर मैं जब रिसर्च किया तो मुझे पता चला ये रेयर प्लांट है यहाँ पे, तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही होने वाला है। और अभी ये मुझे 150 में मिला है। और देखिए, इसमें नए नए लीव्स भी आ रहा है। तो जब भी प्लांट बाई करना है तो इस तरह से देख के ही लेना है प्लांट हेल्दी है कि नहीं, और जब इस तरह का नए नए लीव्स निकलते हैं तो समझ लेना चाहिए प्लांट्स काफ़ी हेल्दी है। इस प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल में लगाना पड़ता है, और इसका जो सॉइल है उसको थोड़ा सा मॉइस्ट रखना चाहिए, खास करके समर के टाइम पे। और इसको ना मीडियम टू ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट ही पसंद है। और ये देखिए, इस तरह का ग्रो बैग में ये प्लांट लगे हुए हैं। वैसे अगर पॉट में होता तो इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा ही होता, तो मैंने इसको 150 में लेके आई हूँ। और ये जो प्लांट है, ये तो मैं आप सबके साथ वो नर्सरी में शेयर भी की थी, और मैं बहुत दिनों से इस प्लांट को ढूंढ रही थी तो मुझे मिल नहीं रहा था, वहाँ पे दिख गई है, तो इसको मैं लेके आई हूँ अपने गार्डन में। और ये देखिए, जब मैं लाई थी तो बर्ड्स था और आज इसमें फ्लावर भी खिल गए हैं, तो बहुत ही सुंदर सा फ्लावर है। और ये जो प्लांट है इसका नाम है इंडियन मैलो, वैसे इसको फ्लावरिंग मैपल प्लांट भी बोलते हैं, चाइनीज़ लैंटर्न भी बोलते हैं। और ये प्लांट में इस तरह से फ्लावरिंग होते हैं। इसका फ्लावर तो वहाँ पे मैं उतना अच्छे से नहीं दिखा पा रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, अंदर से कुछ इस तरह से दिखते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है दिखने में और बहुत ही ईजी ग्रोइंग प्लांट है। वैसे इसके ऊपर मैं डिटेल में एक वीडियो बाद में ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही सुंदर लग रहा है दिखने में, ये देखिए इस तरह से है, ये 150 में मुझे मिला है। और ये मेरा थर्ड प्लांट है जो कि मैं वहाँ से बाई की हूँ। ये एग्लोनिमा की एक वैरायटी है, इसको शायद रेड वैलेंटाइन बोलते हैं। ये एक इंडोर प्लांट है, फोलियज प्लांट है। और ये देखिए, इस तरह से साइड से और एक प्लांट निकल रहा है। वैसे इसको मैं देख के ही ये प्लांट लाई हूँ। जब प्लांट खरीदना है तो थोड़ा सा देख के, सोच समझ के, प्लांट का हेल्थ को चेक करके तभी प्लांट लेना है, तभी हम लोग एक स्मार्ट बायर बन सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही ग्रो बैग में लगे हुए हैं ये प्लांट। वैसे वहाँ पे पॉट में लगे हुए बिग साइज़ का प्लांट भी मिल रहा था, जो कि शायद 300 या 350 का था, और ये मुझे 150 में मिला है। तो मुझे तो लाने के बाद इसका सॉइल को चेंज करना ही था, तो इसीलिए मैं ग्रो बैग में लगे हुए प्लांट ही लाई हूँ।
फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रखूंगी 7 डेज तक, फिर उसके बाद मैं इसको पॉटिंग करूंगी, क्योंकि प्लांट को लाने के बाद ना जो एटमॉस्फेयर है, जो क्लाइमेट है, वो थोड़ा सा चेंज होता है, तो इसीलिए प्लांट शॉक में चला जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको अभी एडजस्ट करने में टाइम लगेगा। तो ऐसे ही मैं 7 डेज तक रखूंगी, फिर उसके बाद मैं इसको रिपोटिंग करूंगी, क्योंकि रिपोटिंग में भी प्लांट थोड़ा सा शॉक में चला जाता है, तो कभी कभार प्लांट डाई भी हो सकता है, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी इसको ऐसे ही रख दूंगी। 7 डेज के बाद सभी प्लांट्स को मैं रिपोटिंग करूंगी। तो यही था मेरा कुछ प्लांट्स जो कि मैं प्रतिमा नर्सरी से बाई की हूँ। और ये जो एंथोरियम है, ये तो मुझे थोड़ा सा डेलिकेट लग रहा है, साथ में एग्लोनिमा भी है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा प्लांट्स नहीं बाई की हूँ वहाँ से। इसको मैं ठीक से लगा लूँगी, थोड़ा सा ये स्टेबल हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं और कुछ प्लांट भी वहाँ से बाई करूँगी। तो होप करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अगर इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।